रचना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज है 4th of February और 4th of February को पूरे विश्व में विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल ही में कैंसर को लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं और कुछ रिपोर्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। अकॉर्डिंग टू WHO अगर उनकी माने तो नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में जितनी भी मौतें हो रही हैं तो हर 8 मौतों में से एक मौत कैंसर की वजह से हो रही है। जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनकी जो इलाज होती है उस प्रक्रिया को कीमोथेरेपी कहते हैं, और जितने भी पेशेंट्स कीमोथेरेपी से गुजरते हैं उस दौरान उनके हेयर फॉल हो जाते हैं। स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल्स ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है जब कीमोथेरेपी के दौरान उनके सर पे एक भी बाल नहीं बचते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में ऐसे लोगों को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है और इसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होता है उनके मेंटल हेल्थ पे। तो ऐसे में उनका हौसला बनाए रखने के लिए उन्हें हेयर विग पहनने की सलाह दी जाती है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGO हैं जो कि कैंसर पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं, वो भी एक अनोखे अंदाज में। और वो मदद कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो विग बनाने का काम करते हैं और विग को वो कैंसर पेशेंट्स को फ्री में देते हैं। नाउ यू पीपल माइट बी थिंकिंग कि ये जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं ये आखिर विग बनाने के लिए हेयर्स लाते कहाँ से हैं? तो मेरा जवाब होगा हम लोगों से। जी हाँ, मेरे और आपके जैसे लोग ही इनको हेयर की डोनेशन देते हैं जिनकी वजह से ये हेयर विग बनाते हैं और पेशेंट्स को फ्री में देते हैं। आज है 4th of February और आज से 2 साल पहले मैंने खुद अपने हेयर को डोनेट करा था होप विद कैंसर ऑर्गेनाइजेशन में। एंड एट दैट टाइम मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या क्राइटेरिया होता है, अगर उन्हें भी हेयर डोनेट करना है तो इसके पीछे कुछ क्राइटेरिया होता है, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना रूल रेगुलेशन होता है। तो क्योंकि मैंने अपने हेयर्स को कोप विद कैंसर ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करा था तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, ताकि अगर आप में से भी किसी को भी हेयर की डोनेशन देनी है तो यू कैन ईजली डोनेट योर हेयर। आज से 2 साल पहले मैंने जब अपने हेयर को डोनेट करा था तो मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था, तो वो ब्लॉग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगी, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये बात करते हैं कि अगर आपको अपना हेयर डोनेट करना है तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट, जिस भी दिन आप अपने बालों को कटवाने जाओगे तो इसके लिए आप कोई भी सलून जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसके लिए कुछ ऐसा कोई पर्टिकुलर सलून नहीं होता कि आपको इसी सलून में जाके हेयर की कटिंग करानी है, आप किसी भी सलून में जाके अपने हेयर की कटिंग करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिस भी दिन आप पार्लर जा रहे हो बालों को कट करवाने तो उस दिन आपके बाल धुले हुए होने चाहिए प्लस सूखे होने चाहिए। और सपोज अगर आपको अपने बालों को कटवाना है तो आपको क्या करना होता है कि जो भी आपके हेयर होते हैं उनकी प्लेटिंग करनी होती है। आप अपने हेयर की प्लेटिंग करोगे और एक रबर यहाँ लगाओगे, एक रबर नीचे लगाओगे, और जितनी इंच आपको कट करवानी है डोनेट करने के लिए उतना इंच से आपको कट करवाना होता है। मतलब कि सपोज इतना लेंथ अगर आपको डोनेट करना है तो एक रबर बैंड आप नीचे लगाओगे, एक रबर बैंड ऊपर लगाओगे, और ये जो बीच के हेयर्स रहेंगे इसमें आप प्लेट्स बनाओगे और फिर ऊपर से कट करवाओगे। तो ऐसे करके आप हेयर को कट करवाना होता है आपको। और जब भी आप हेयर कटिंग करवाते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जो हेयर्स होते हैं वो टूट के नीचे गिर जाते हैं, तो जो भी जमीन पे हेयर गिरेंगे उनको आपको नहीं उठाना है क्योंकि उनको आपको कंसीडर नहीं करना है, दे विल कंसीडर्ड एज वेस्ट। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जैसे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि वाइट हेयर को डोनेट कर सकते हैं या नहीं, तो इसका मैं आंसर ये दूंगी कि अगर आपके भी सिर में 1-2 बाल अगर वाइट है तो चलेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बाल आपके वाइट हैं देन आई विल से कि आप हेयर डोनेट ना करें। अब बात करते हैं बालों की लंबाई की, तो आपके जो प्लेट्स होंगे आप जब प्लेट्स करोगे बालों की तो उसकी लेंथ एटलीस्ट 12 इंच होनी चाहिए। अगर 12 इंच से कम है आपके बालों की लेंथ देन आप अपने बालों की कटिंग नहीं करवाइए, क्योंकि क्या होता है कि जब 12 इंच से कम होता है बालों की लेंथ तो वो विग बनाने के काम में नहीं आता है। तो इसलिए पहले आप अपने बालों के लेंथ को देख लीजिए, अगर वो 12 इंच से ज़्यादा है तभी आप अपने बालों में कोई कट करवाएं हेयर डोनेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने अपने हेयर को कट करवा के डोनेट कर दिया तो उससे एक विग बन जाएगा, नहीं, अगर एक विग बनाना है तो उसके लिए एटलीस्ट 6-7 हेल्दी पर्सन जिन्होंने अपने हेयर को डोनेट करा है उनके हेयर की ज़रूरत होती है।
इसके साथ ही एक और जो इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये कि आपको अपने बालों में कोई कलर नहीं करवाना होता है। मतलब अगर आपने अपने बालों में पहले से कलरिंग करवा रखी है, डाई करा रखा है बालों को, तो आप इंतज़ार कीजिए जब तक कि वो कलर निकल ना जाए, तब तक आप अपने बालों को डोनेट नहीं करते हैं। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि आपके बाल केमिकल फ्री होने चाहिए। मतलब अगर आप हेयर वॉश करके भी जा रहे हैं तो कुछ भी बालों में केमिकल का यूज़ ना करें। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि आपको अपने बालों को कट करवाने से पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, और इनफैक्ट जब आप पार्लर में जाते हो तब आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि सपोज दिस मच लेंथ ऑफ हेयर आपने अपने कट करवाए हैं, प्लेट्स बने हुए होने चाहिए उसमें, दोनों साइड पर रबर लगा हुआ होना चाहिए। अब इसके बाद जो प्लेट्स हैं उनको क्या करना है कि एक प्लास्टिक का बैग लेना है, उस प्लास्टिक बैग में उस प्लेट को डालना है, चेन बंद कीजिए उसका, और उसको पार्सल के थ्रू भेजना होता है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप डोनेट करना चाहते हैं हेयर उनके एड्रेस पे। तो क्योंकि मैंने कोप विद कैंसर ऑर्गेनाइजेशन को अपने हेयर डोनेट करे थे, तो मैं उनका जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक करके अपने हेयर्स को वहां पार्सल करवा सकते हैं। एक पेपर पे लिखिए अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, और उसको उस जो बैग है प्लास्टिक का उस पर चिपकाइए, और जो भी आपको सबसे सही तरीका लगता है उस तरीके से आप अपने पार्सल को ऑर्गेनाइजेशन के पास भेज सकते हैं। और जैसे ही आपका पार्सल उस ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंच जाता है, उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मेल आता है। कंफर्मेशन मेल में बेसिकली यही लिखा रहता है कि जैसे आपका जो भी आपने जो ईमेल आईडी दिया है उसी ईमेल आईडी पे आपको मेल आती है कि आपका जो हेयर का पार्सल है वो हमें मिल चुका है, एंड उस ईमेल के साथ ही आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जिसमें मेंशन रहता है कि थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने हेयर को डोनेट कर सकते हैं, एंड एक छोटी सी मदद कर सकते हैं ऐसे लोगों की जिनको सच में हमारी मदद की ज़रूरत है। So yeah, this is all the information which I wanted to share with you all, and I hope कि आपको ये video थोड़ी सी informative लगी होगी, and if you guys think कि ये थोड़ी सी informative लगी है, then please do share this video to all those persons who are interested in hair donation so that we can help those persons who are really in need of help. Thank you so much for your precious time.